सबसे पहले बात करेंगे एमपी विधानसभा के बजट सत्र की। तो आज दूसरा दिन है, सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा की जाएगी। सरकार एमपी का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा। दिवंगत जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। शीत सत्र के बचे हुए प्रश्न भी पटल पर रखे जाएंगे, तो अहम विधेयक आवेदन भी पटल पर रखे जाएंगे। ऐसे में कई चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो कल भी इसके थोड़ी सी झलक देखने को मिली थी, जहां पर विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए थे, किसानों का मुद्दा भी उठाया था, और ऐसे में तीखे तेवर विपक्ष के देखने को मिले थे। ऐसे में दूसरी ओर यहां सरकार ने भी तैयारी कर ली है, काउंटर की यहां पर तैयारी कर ली गई है। एमपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, सदन की कार्यवाही आपको बता दें कि शुरू हो गई है, और ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। कल राज्यपाल ने अभिभाषण दिया था, अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई थी, और ऐसे में सरकार आज एमपी का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। दिवंगत जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। तो शीत सत्र के बचे हुए प्रश्न पटल पर रखे जाएंगे। ऐसे में कई चुनावी मुद्दों पर भी बातचीत होगी। कल विपक्ष ने किसानों का मुद्दा भी यहां पर उठाया था। पहली बार ई बजट भी पेश होने जा रहा है। सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ कल सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, और फिलहाल आज दूसरा दिन है, कार्यवाही शुरू हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, वहीं कई चुनावी मुद्दों पर बातचीत। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, आज दूसरा दिन है बजट सत्र का, क्या कुछ हलचल वहां देखने को मिल रही है, क्या कुछ चुनावी मुद्दे उठाए जा सकते हैं? जी देखिए, ये वर्ष है, चुनाव का वर्ष है, और अंतिम सत्र है, बजट सत्र अंतिम होता है। अभिभाषण पर चर्चा थोड़ी देर में शुरू होने वाली, सत्र शुरू हो गया है और सत्र में तमाम लीडर्स पहुंच गए, लेकिन इससे पहले जो चर्चा हुई विधानसभा अध्यक्ष के साथ, उससे लगता है कि सदन लंबा खिंच सकता है, और विधिवत तरीके से जो विधानसभा अध्यक्ष भी चाहते कि इस पर चर्चा हो वो दिखाई देगी। आज सर्वेक्षण भी आना, आर्थिक सर्वेक्षण थोड़ी देर में सामने आ जाएगा कि आखिर सरकार किस तरह से काम करना चाहती और पिछले वर्षों में कहाँ कहाँ वित्त का खर्च हुआ है, तो वो सब लेखा जोखा दिखाई देगा। लेकिन बजट की तैयारियां हैं, सरकार ने बजट की अपनी तैयारियां शुरू कर ली। आज अभिभाषण में चर्चा के बाद कुछ मुद्दे भी गर्मा सकते हैं, आज की कार्यसूची में दिखाई दिया है, लेकिन पूरी तरह तैयारी है सदन की तरफ से भी। हमने कल ये भी देखा कि कांग्रेस ने विपक्ष के नेता के रूप में कमलनाथ जी के वहां बैठक भी हुई है, और तय किया गया है किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना, खासकर किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। दूसरी तरफ आज सरकार यानी सरकार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी सरकार की तरफ से बैठक होने जा रही है, तो वो सदन में किस तरह से, क्योंकि बजट सत्र काफी हंगामेदार होने की उम्मीदें जताई जा रही है। चुनावी वर्ष में विपक्ष भी चाहेगा कि हम अपनी बातों को रख पाएं और जनता समझ पाए कि हाँ, हम आपके मुद्दों को लेकर सदन में जाते हैं, तो बहुत ही गहमा गहमी देखने को मिल सकती है सदन में। लेकिन ये पहली बार जरूर ऐसा होगा कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट संभावना यही है कि पेश किया जा रहा सरकार की तरफ से, जिसमें कई सारे मुद्दे होंगे, चाहे लाडली बहना की बात करें या चुनावी रणनीति के साथ किस तरह सरकार अपने कामों को आगे बढ़ाना चाहती, वो इस सब बजट में सामने आने वाला है। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी तैयारियां की है, सदन शुरू हो गया, थोड़ी देर बाद और जो भी कार्रवाई होगी वो जनता के सामने। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा, ऐसे में गहमा गहमी भी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम बातचीत के लिए।